हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हां थोड़े नाल मुस्कान शर्मा ते लेके हाजिर हम प्रोग्राम स्पाइसी रील्स जिते गलबात करांगे बॉलीवुड पॉलीवुड दियां कुछ खास खबरां ते यानी कि कौन किते स्पॉट होया किस दा अज जन्म दिन ते कौन हो रहे हैं ट्रोलर्स दा शिकार। आओ पा लैने आं इन्हां खबरां ते एक नज़र। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट इन्हें दिन कित ना कि स्पॉट होंगी है तो उस दिन तस्वीर सोशल मीडिया से वायरल हो रही ने। हम आलिया भट्ट को सोमवार रात को एयरपोर्ट पर देखा गया। आलिया भट्ट को देखते ही पेपराजी के कैमरे एक्टिव हो गए और उसने कैमरे के कैद कर लिया। आलिया भट्ट नवी तस्वीर सामने आई ने जिस में उसके स्टाइल को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। आलिया भट्ट की अपने फैंस के नाल चंगे व्यवहार की तारीफ भी हो रही है। आओ पहले देखते हैं आलिया भट्ट की यह लेटेस्ट वीडियो। आलिया भट्ट को सोमवार को मुंबई एयरपोर्ट से देखा गया। आलिया भट्ट की नवी तस्वीर सोशल मीडिया से सामने आई ने। आलिया भट्ट पेपराजी को देखते हुए मुस्कुरा रही है। आलिया दी तस्वीर कई एंगल्स तो क्लिक हुई वायरल हो गई। आलिया जदों एयरपोर्ट से नजर आई तो फैनस उसकी एक झलक देखने लिए बेताब नजर आए। आलिया नाल तस्वीर क्लिक करवाने की उन्होंने कोशिश भी की। आलिया ने भी अपने फैनस को निराश नहीं किया तो उन्होंने नाल तस्वीर क्लिक करवाइया। आलिया का यह अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। आलिया भट्ट जिवें ही कार तो हेठा उतरी पेपराजी ने उसनों अपने कैमरे के कैद करना शुरू कर दिता। आलिया दियां तस्वीरां वख वख एंगल्स तो क्लिक कीतिया गई। आलिया भट्ट की ड्रेस की गल करिए उसने लोअर एथ टॉप के नाल जैकेट पाई हुई सी। आलिया ने अपने वाल खुले रखे हुए सी। उन्होंने फैनस आलिया भट्ट दियां तस्वीरां नूं काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस दे नाल ही आलिया भट्ट बारे टिप्पणी करके अपने दिल की गल भी कह रहे हैं। आलिया भट्ट को अपने पति रणबीर कपूर और बेटी राह कपूर तो बिना एयरपोर्ट से देखा गया। आलिया भट्ट को इकली देकर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। आओ एक बार फिर तो देख लेने आलिया भट्ट की यह ताज़ा स्पॉटेड वीडियो।
सिनेमा जगत में किसी न किसी के लिंकअप दबर सामने आदि रहेंदियां ने। इन जोड़ियों के साउथ इंडस्ट्री के दो कलाकारों के नाम भी शामिल किए गए हैं। यह कोई होर नहीं बल्कि विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया ने। दोवें काफ़ी समय तो एक दूजे को डेट करके सुर्खियों के ने। दोवों कई बार इकट्ठे देखा जा चुकिया। इस सिलसिले के बीती रात विजय और तमन्ना इकट्ठे डिनर डेट का आनंद लेंदे हुए देखा गया। हुण इस जोड़े दी ये तस्वीर काफ़ी देखिया जा रही ने। आओ पहला देखते हैं तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की यह ताज़ा स्पॉटेड वीडियो। विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया के अफेयर दबरों को लेकर काफ़ी समय तो बाजार के चर्चा है। गोवा तो दोवे सितारों दुझ तस्वीर वायरल हो जिसनों देख के फैनस तमन्ना विजय के रिश्ते लैके क्यास लगा लग गए हैं। जिथे एक पास दोवे ने अपने रिश्ते से चुप्पी तारी हुई है, उत्थे दूजे पास दोवें अक्सर इकट्ठे नज़र आने भी गुरेज नहीं करते। एक बार फिर दोवे ने कुछ अजिहा किया जिस तो बाद एक बार फिर तो उन्होंने अफेयर दबर गर्म हो गई ने। दरअसल सोशल मीडिया से एक वीडियो तेजी नाल वायरल हो रहा है जिस विच तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा एक रेस्टोरेंट तो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। असल विच सामने आई वीडियो के विजय वर्मा और तमन्ना डिनर डेट का आनंद लैन तो बाद एक रेस्टोरेंट तो बाहर घूमते देखा गया। रेस्टोरेंट तो बाहर निकलने तो बाद दोवें इकट्ठे कार के बैठ गए और इन्ना ही नहीं दोवे ने पेपराइजी के वाल हाथ भी हिलाया। वीडियो के तमन्ना वाइट कलर की क्रॉप टॉप के नाल ग्रे कलर की पैंट के नज़र आ रही है जबकि विजय ने चेक शर्ट से हल्के कलर की पैंट पाई हुई है। यह वीडियो सामने आते ही फैनस लगातार इसते कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो तो यह वीडियो सोशल मीडिया से शेयर हुई है, फैनस इसते अपनी प्रतिक्रिया देते नज़र आ रहे हैं। इसते कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा, दोवें इकट्ठे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। दूजे ने लिखा, वो सचमुच एक जोड़े वांग लगते हैं। कई बार इकट्ठे स्पॉट किए जाने के बावजूद तमन्ना और विजय ने अपने रिश्ते को लेकर कोई भी अधिकारित बयान नहीं दिता है। फिलहाल आओ एक बार फिर तो देख लें तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की यह ताज़ा स्पॉटेड वीडियो। अदाकारा परिणीति चोपड़ा इन्हीं दिनी आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के नाल अपने विआह दी फाह नूं लैके सुर्खियां दे विच है। इसका बोध शुरू होया जदों दोनों नूं हाल विच शहर विच दो बार इकट्ठे देखा गया। दस्या गया है कि वह जल्दी ही अपने रिश्ते ते मोहर लगाउण लई तैयार ने। हर बार जदों परिणीति जां राघव नूं जनतक तौर ते क्लिक किया जाता है तो इस जोड़ी नूं उन्हां दे विआह बारे सवाल जरूर किया जाता है। हुण एक बार फिर तो परिणीति नूं मुंबई एयरपोर्ट ते स्टाइलिश लुक दे विच देखा गया ते पेपराइजी उस तों विआह बारे पुछदे रहे। इस दौरान परिणीति भी शर्माती रही। आओ पहला देखते हैं परिणीति चोपड़ा की यह ताज़ा स्पॉटेड वीडियो।
ਦੇ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ਡ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਾਈਟ ਸਨੀਕਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੂਲ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਨੇ ਪਰਿਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਰੈਜ਼ੀ ਪਰਿਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਮ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਨੀਤੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਬੈਂਡ ਪਾਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਪਲ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀਓ ਮਾਮੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ 23ਵੇਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀਡੀਓ। ਅਰੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਰੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ 35ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਨੂੰ ਜਿਆਂਗ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰੀਜੀਤ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਅਰੀਜੀਤ ਦੀ ਮਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਅਰੀਜੀਤ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰੀਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗੀਤ ਬਿਥੋਵਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਉਸਤਾਦ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਨ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਿਆ। ਅਰੀਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰੀਜੀਤ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੀਜੀਤ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਰੀਜੀਤ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਬੰਸਾਲੀ ਨੇ ਅਰੀਜੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸਾਵਰੀਆ ਲਈ ਗੀਤ ਤੂੰ ਸ਼ਬਨਮ ਵੀ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਕੁਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਤਰਾਨੀ, ਜੋ ਟਿਪਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਲਈ ਅਰੀਜੀਤ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਬਮ ਵੀ ਕਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ 10 ਕੇ 10 ਲੈ ਗਏ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਰੀਜੀਤ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੀਜੀਤ ਲੋਖੰਡ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੀਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਰੀਜੀਤ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਗੋਲਮਾਲ 3, ਕਰੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ। ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲਮ ਮਰਡਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ, ਉਸਕੇ ਹੀ ਬਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਸੇ ਚੜ ਗਈ, ਆਸ਼ਕੀ, ਕਬੀਰਾ, ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੀਜੀਤ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਟਾਊਨ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੋੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਾਟ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। अनुष्का शर्मा ने अपने अधिकारित इंस्टाग्राम हैंडल से ताज़ा वीडियो शेयर की थी है। इस वीडियो के अनुष्का शर्मा अपने पति और टीम इंडिया के सबका कप्तान विराट कोहली के नाल डांस करती नज़र आ रही है। इस वीडियो के अनुष्का ते विराट गोडे फाड़ के हुक स्टैप कर रहे हैं पर बाद विच कोहली नू अपने गोडे के सट लग जाती है तो दर्द के चीखते हैं। विराट नू दर्द के देख के अनुष्का शर्मा उची उची हसन लग जाती है। इस वीडियो के कैप्शन के अनुष्का शर्मा ने लिखा डांस पे चांस। जिम के अंदर अनुष्का और विराट का यह डांस वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। फैनस इस जोड़ी द डांस वीडियो नू बहुत पसंद कर रहे हैं तो टिप्पणी भी कर रहे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के इस डांस को देखने बाद फैनस ने अपनी प्रतिक्रियावां देनिया भी शुरू कर दी ने। इस वीडियो से कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा आराम नाल इत सिर्फ तीन ही बल्लेबाज ने। एक होर ने लिखा एक आदमी सिर्फ अपनी मनपसंद औरत दे नाल ही डांस कर सकता है। एक होर ने लिखा किंग RCB कोल सिर्फ तीन ही बल्लेबाज ने। टेस्ट चैंपियनशिप और विश्व कप भी आ रहा है ध्यान दे नाल। इस तरह अनुष्का ते विराट कोहली दे इस डांस वीडियो ते कई लोग अपनी राय दे रहे ने। आओ एक बार फिर तो देख लेने विराट अनुष्का दी इह वीडियो। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट हमेशा ही सुर्खियों के रही है। फिलहाल अदाकारा जायदाद खरीदने लैके चर्चा के है। दरअसल आलिया के प्रोडक्शन हाउस इटरनल सनशाइन प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने बैंड्रा वैस्ट के पाली हिल इलाके 37.80 करोड़ रुपए के एक अपार्टमेंट खरीदया। मीडिया रिपोर्टों मुताबिक अदाकारा ने दो कार खरीदे ने अपनी भैन शाहीन भट्ट को गिफ्ट किए हैं। हालांकि इस आलिया के पक्ष कोई अधिकारित बयान नहीं आया। एक रिपोर्ट के अनुसार indextab.com तो प्राप्त दस्तावेजा के अनुसार आलिया भट्ट की कंपनी द्वारा खरीदया गया अपार्टमेंट 2497 वर्ग फुट के फैलिया होया एरियल व्यू कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड स्थित है। रिहायशी जायदाद कथित तौर पर गोल्ड स्ट्रीट मरकेंटाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड तो खरीदी गई थी। इस समझौता 10 अप्रैल 2023 दर्ज किया गया 2.26 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी अदा की गई थी। रिपोर्ट में यह भी खुलासा होया कि आलिया ने इनामी सर्टिफिकेटा राही अपनी भैन शाहीन भट्ट को दो कार गिफ्ट किए ने। इन अपार्टमेंट्स की कीमत 7.68 करोड़ रुपए और यह गिगी अपार्टमेंट्स एबीनाए रोड जूहू मुंबई स्थित है। पहला घर 1197 वर्ग फुट के फैलिया होया दूजा फ्लैट 879.75 वर्ग फुट के फैलिया होया। उधर वर्क फ्रंट की गल करिए आलिया भट्ट जल्दी ही अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन के नज़र आएगी। इस फिल्म के गल गाउडिट भी है। उस कोल रणवीर सिंह नाल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है। करण जौहल के निर्देशन बनी इस फिल्म के जया बच्चन शबाना आजमी और धर्मेंद्र भी अहम भूमिका ने। यह फिल्म 28 जुलाई में रिलीज हो जा रही है। इस तो इलावा अदाकारा जल्द ही प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ के नाल जीले जरा की शूटिंग भी शुरू करेगी। बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान अक्सर किसी न किसी कारण सुर्खियों के रही है। सारा अली खान इंस्टाग्राम तस्वीर और वीडियोज़ को खूब पसंद किया जाता है जिते उसका कद ग्लैमरस कद मज़ेदार अंदाज देखने को मिलता है। इस दौरान सारा अली खान का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सारा अली खान मुंबई के बेहद कूल लुक के नज़र आ रही है। वीडियो से सोशल मीडिया यूजर्स दिक्स प्रतिक्रियावं देखने को मिल रही हैं। आओ पहले देख लें सारा अली खान की यह ताज़ा स्पॉटेड वीडियो। सारा जी रुकिए ना।
सारा जी गुड नाइट। सारा अली खान का वीडियो सोशल मीडिया से सामने आया है। इस वीडियो के सारा मुंबई के एक रेस्टोरेंट बाहर निकलती दिखाई दे रही है। वीडियो के देखा जा रहा है कि सारा फैंस के नाल फोटोज क्लिक करवाती है तो फिर कार के बैठ के चली जाती है। दरअसल सारा ने एक रेस्टोरेंट बाहर निकलते देखा गया। इस तरह अदाकारा काफ़ी दोस्ताना अंदाज के नजर आई। लुक की गल करिए तो सारा ने वाइट टॉप के नाल पिंक प्रिंटेड ट्राउजर पाया होया सी। इस दौरान सारा ने हाथ में कुछ समान भी फड़िया होया सी। रेस्टोरेंट चो बाहर निकली तो मीडिया के नाल गल्लां करती रही तो उन्होंने पोज भी दे के उत्थों चली गई। सारा का यह अंदाज हुण काफ़ी पसंद किया जा रहा। वर्क फ्रंट की गल करिए तो सारा अली खान हाल ही में फिल्म गैसलाइट के नज़र आई थी। यह फिल्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ की गई थी जिसमें दर्शकों का रलवा मिलवा हुंगारा मिलिया। दूजे पासे सारा दी आने वाली फिल्मों के ए मेरे वतन के लोगों शामिल है जो एमाजोन प्राइम वीडियो से रिलीज़ होगी। इस तो इलावा सारा अली खान विक्की कौशल के नाल जरा हटके जरा बचके दे विच भी दिखाई देगी, जबकि सारा के खाते के मैट्रेन दिनों और मर्डर मुबारक भी शामिल है। फिलहाल आओ एक बार फिर तो देख लें सारा अली खान की यह ताज़ा स्पॉटेड वीडियो। सारा जी गुड नाइट। सो इस नाच दियाँ बॉलीवुड पॉलीवुड दियाँ कुछ खास खबर आज दे लई स्पाइसी रील्स दे विच इना ही। फिलहाल मैनू दे इजाजत, धन्यवाद।